हे व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस फाइनली मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 10 जियो कॉलर ट्यून, जो कि हमारे जो प्रीवियस वाले वीडियो मैंने बनाया था उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया एंड काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे लगा इसका पार्ट 2 लाना चाहिए। तो ये गाइस नया एपिसोड बना रहा हूँ मैं अपने टॉप 10 का, सेकंड एपिसोड है। तो गाइस मैं अब इस पर देखता हूँ कि कितना आप लोग सपोर्ट करते एंड कितना देर तक वीडियो देखते। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बंदे का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ कि एक बंदे ने एक सॉन्ग के लिए मैसेज किया था, भाई ये वाला सॉन्ग मुझे नहीं मिला है, कंगना, जो कि रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पर लोग सॉन्ग के लिए DM किए थे, तो वो सारे सॉन्ग्स अवेलेबल हो गए हैं। तो बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल हुए, बहुत सारे अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो एटलीस्ट गाइस 1 month लग ही जाता है कोई भी सॉन्ग को अवेलेबल होने में, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग परेशान मत होना, ठीक है, कमेंट कर दे तो मैं देखता हूँ, आप लोग DM भी करते हो वहाँ भी देखता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फटाफट मैं आप लोगों को टॉप 10 जियो ट्यून कवर करता हूँ, तो वीडियो को देखते रहना, स्किप मत करना। तो फट से गाइस आप लोग को जाना माय जियो एप्लीकेशन में, जिसी तरह माय जियो एप्लीकेशन में जाते हो तो सिंपल सा थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना एंड यहाँ पर आप लोग को शो कर रहा होगा जियो ट्यून, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। तो गाइस जिसी तरह इस पर आप लोग टैप करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस हमारा जो पहला सॉन्ग है जिसका नाम है गाइस डांस मेरी रानी, जो कि अभी भी YouTube पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है, तो सबसे पहले इस पर बात करते हो, इसके बाद और भी सॉन्ग है तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो गाइस जो हमारा पहला सॉन्ग है जिसका नाम है डांस मेरी रानी, जो गुरु रांधवा का एंड नोरा फतेही का सॉन्ग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा YouTube पर ट्रेंडिंग चल रहा है एंड ऑल्सो Instagram पे भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो मैं आप लोग को सारे सॉन्ग्स को स्टेप वाइज कैटेगराइज करके सुना देता हूँ, आपको जो भी इसमें से बेस्ट लगे आप उसको सेट कर लेना। तो यहाँ पर सुन लो। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड जियो ट्यून की तरफ, जिसका नाम है गाइज कंगना, जो कि मुझे उस बंदे ने कमेंट किया था। तो देखो गाइज बहुत सिंपल है मेरे भाई, जिसने भी कमेंट किए थे ना, तो देखो सबसे पहले तो आप लोग को पूरा स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखना है, ये नहीं कि आप लोग कुछ भी लिख दोगे तो सॉन्ग शो नहीं करेगा। उसके बाद एकदम स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना, आप लोग एकदम नीचे की तरफ एकदम लास्ट तक आ जाना है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को लास्ट में आप लोग को शो करेगा, एकदम लास्ट में भी नहीं जाना, बीच में जाना है, ठीक है, आप लोग समझ जाओ। तो देखो ये वाला सॉन्ग आपका यही वाला, ऐसा नहीं लगे कि आपको कि मैंने कोई गलत सॉन्ग बताया था, तो यही सॉन्ग है, मैं फिर से प्ले करके आप लोग को सुना देता हूँ एंड कंगना का यही सॉन्ग है। पर्सनली मेरा भी फेवरेट ये सॉन्ग था, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, मैं आप लोग को थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूँ। तो मेरे भाई जैसा कि आपने इस सॉन्ग को सुना, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एंड अभी कभी वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपके एक लाइक से मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने थर्ड जियो ट्यून की तरफ, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर यंग शाहरुख, जो कि बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था एंड काफी पुराना भी सॉन्ग है, तो इसके बाद वाला भी जो कॉलर ट्यून है वो अभी बाकी है। तो इस एक बंदे ने यंग शाहरुख के लिए कमेंट किया था, तभी मैं बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे सॉन्ग हैं, तो वीडियो को देखते रहें। तो गाइस सिंपल सा बस आप लोगों को टाइप करना है यंग शाहरुख। तो गाइस यहाँ पर स्पेलिंग चेक कर लेना, इसमें आप लोगों को डबल H लिखना, ये नहीं कि सिंगल H लिखकर सर्च करोगे तो सॉन्ग शो नहीं करेगा, मैं पहले आप लोगों को अवेयर कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके इसका पार्ट सुना देता हूँ, अच्छा लगे तो इसको भी सेट कर सकते हो, अच्छा सॉन्ग है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड जियो ट्यून, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसका नाम है गाइस सूर्यवंशी का सॉन्ग है। अब सूर्यवंशी का कौन सा सॉन्ग है तो मैं आप लोग को स्पेलिंग से पता चल गया होगा कि क्या नाम है। तो ये वाला सॉन्ग ना गाइस मैंने बहुत पहले अवेलेबल कर दिया था एंड इसको मैंने रिसेंट वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग को मिल नहीं रहा ये भी सॉन्ग, तो मैं बता देता हूँ कि इसको ये सॉन्ग कैसे मिलेगा। तो देखो स्पेलिंग जो आप लिखोगे ना गाइस, यहाँ पर ये लिखो डबल T एंड कैपिटल लेटर में T लिखना, अगर स्मॉल में लिखते हो तो सॉन्ग शो नहीं कर रहा, ये 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोनों में आप लोग कैपिटल T हो और उसके बाद एकदम स्क्रॉल करके नीचे जाना। तो मेरे भाई जिसी तरह आप लोग एकदम स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में आ जाते हो, तो आप लोग को दो सूर्यवंशी के सॉन्ग शो कर रहे होंगे, एक ये वाला एंड एक ये वाला, तो मैं दोनों को प्ले करके सुना देता हूँ, आपको जो बेस्ट लगे वो सेट कर लेना। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दिया, अब बात कर लेते हैं हम अपने गाइस नेक्स्ट सॉन्ग के, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर सुमित गोस्वामी का, जो कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग है। तो गाइस ये हरियाणवी सिंगर है एंड मैं आप लोगों को इसका सॉन्ग सुनाता हूँ गाइस, एक सॉन्ग है जो कि प्यार मेरा एंड काफ़ी अच्छा ये वाला सॉन्ग मुझे लगा था एंड इसको मैं पर्सनली भी सेट करने वाला हूँ आजकल में, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूँ, आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या ने प्यार मेरा पड़दा ना पल्ले तेरे फिरदा तू यारा गल्ला सारी हाना मौज तने देख मेरे फेस की समाही ना चाहे करे ना।
तो गाइस अब हम आप लोगों को सुना देते हैं एक इंग्लिश कॉलर ट्यून जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है एंड इंग्लिश में है ये वाला कॉलर ट्यून। अगर किसी को इंग्लिश कॉलर ट्यून पसंद है तो ये वाला सॉन्ग सेट कर सकता है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो सिंपल से आप लोगों को सर्च करना इन द गेटो जो कि काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, जियो कॉलर ट्यून है। तो मैं आप लोगों को प्ले करके सुना देता हूँ इंग्लिश, अगर आपको सेट करना है तो इसको भी सेट कर सकते हो। तो गाइस हमारा सेकंड कॉलर ट्यून निकल के आता है खैरियत का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इमोशनल सॉन्ग है। अगर आप लोगों को किसी को सेट करना है तो ये वाला अपॉर्चुनिटी, ये वाला कॉलर ट्यून सेट करके देखोगे, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का ये कॉलर ट्यून है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके सुना देना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सेट कर लेना। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम, खैरियत पूछो। तो गाइस जब हम बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कॉलर ट्यून का नाम है गाइस सोच ना सके। तो गाइस ये वाला सॉन्ग ना काफ़ी पुराना सॉन्ग है, काफ़ी ओल्ड सॉन्ग है, तो फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके सुना देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको भी सेट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा पॉपुलर सॉन्ग है। तो गाइस जब हम बात कर लेते हैं हमारे और आपके फेवरेट कॉलर ट्यून जिसका नाम है गाइस आर्मी, जो कि अभी कल एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि गाइस आर्मी सॉन्ग को हटा दिया गया जियो ट्यून से। तो मैंने जियो सावन से बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसको फिर से 4 घंटे के बाद इस सॉन्ग को रिलीज कर दिया गया। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखो आर्मी सॉन्ग को सेट करने के लिए इसको आर्मी सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा डाउन में डाल दिया गया। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करके एकदम आप लोग को एकदम नीचे में आना है। तो जिसी तरह नीचे में लास्ट में आते हो ना, तो यहाँ पर आप लोग को आर्मी का सॉन्ग शो करेगा। तो मैं आप लोग को प्ले करके सुना देता हूं कि ताकि प्रूफ हो जाए कि यही वाला सॉन्ग एक्चुअल है। अब गाइस बात कर लेते हैं हम अपने लास्ट कॉलर ट्यून जिसका नाम है गाइस गड्डी नीवी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ये सॉन्ग गाइस काफ़ी अच्छी सॉन्ग है एंड इसको गाने वाले हमारे और आपके हनी सिंह है, जो कि काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। आपको पता है कि हनी सिंह कोई भी गाना गाएंगे तो 100% पॉपुलर होना ही है। तो गाइस मैं आप लोग को इसका पार्ट सुना देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है गड्डी नीवी का तो इसको अभी आप लोग कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है, तो आप लोग सुन सकते हो। तो गाइस यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको पता है कि इसी तरह के वीडियो अच्छे आते रहते हैं। अगर आप लोगों को कोई कॉलर ट्यून से रिलेटेड रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों को इंक्वायरी हो तो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर DM कर सकते हो अगर कोई सॉन्ग को अवेलेबल कराना हो या कोई प्रॉब्लम हुआ हो कॉलर ट्यून से। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।